नमस्कार दोस्तों, नौकरियां यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 2018 के बारे में। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में काफ़ी डाउट्स हैं, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो ही, इसमें हम बात करेंगे कि किन कैंडिडेट्स को रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, कि उन्होंने अटैम्प्ट किया उन्हें मिलेंगे या सभी को मिलेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो वो जॉब चाहे यूपी पुलिस की हो या और कोई जॉब निकली हो यूपी में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, सारे अपडेट्स हम आप तक लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किए। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जैसे काफ़ी गलतियाँ थी। जैसे हुआ क्या था कि जैसे एक से ज़्यादा ऑप्शन दे रखे थे काफ़ी क्वेश्चन में, तो कैंडिडेट क्या कन्फ्यूज़ हो गए, उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया, और कुछ ने अटैम्प्ट किया कुछ ने अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है, तो उसमें किसे नंबर मिलने चाहिए। दूसरी बात, जैसे क्या था, काफ़ी क्वेश्चन जो थे इंग्लिश में ठीक थे और हिंदी में गलत थे, तो उसके जैसे नंबर मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। तीसरी बात, कुछ क्वेश्चन क्या थे मिसप्रिंट हो रखे थे, उनके नंबर किन्हें मिलेंगे। तो मेन मुद्दा ये है, जिन्होंने अटैम्प्ट किए हैं उन्हें ही मिलेंगे, या जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए उन्हें भी मिलेंगे। तो इस वीडियो हम यही बात करने जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आंसर की आई उसमें कुछ आंसर आपके गलत हैं, तो वो ठीक होके आ जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लें, वो आंसर की ठीक होके आएगी, और उसमें जितने क्वेश्चन मतलब गलत होंगे उसके नंबर सभी को मिलेंगे। अब देख लेते हैं इन बातों के बारे में, जैसे जो क्वेश्चन के नंबर किसे मिलेंगे, तो देख लीजिए। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी नोटिफिकेशन है 14 जनवरी 2018 जैसा आप देख पा रहे हैं, जो शुरू में आई थी। तो इसमें अगर आपने नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो आप सीधा पेज नंबर 5 पे पहुँचिए, ठीक है, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया है। ये देखिए पेज नंबर 5 है, ये देखिए इसमें दिया गया है, यदि कोई पर्सन अथवा उसका उत्तर या विकल्प त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को उसके पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें आपके दोनों के डाउट क्लियर हो गए, जैसे जिसमें ज़्यादा ऑप्शन आए थे एक से ज़्यादा, तो वो विकल्प त्रुटिपूर्ण था, उसके भी नंबर सभी को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट थे, तो मतलब क्वेश्चन में त्रुटि हो गई, मतलब पर्सन में, उसके नंबर भी सभी को मिलेंगे, चाहे किसी ने अटैम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। एक हिंदी इंग्लिश का था, जैसे हिंदी इंग्लिश वाली एक बात थी, जैसे हिंदी में क्वेश्चन गलत थे वो इंग्लिश में ठीक थे, तो वो भी त्रुटिपूर्ण हो गया एक टाइप से, क्योंकि वो क्वेश्चन था वो हिंदी में गलत था, तो उसके नंबर भी सभी को मिलेंगे, चाहे आपने वो अटैम्प्ट किया हो या नहीं अटैम्प्ट किया हो, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। और हम बात कर लेते हैं, जैसे जिन कैंडिडेट्स के नंबर कम हैं, तो अभी क्या है, डिमोरलाइज ना हो कि अपना साहस ना हारें कि नंबर कम है, तो उसमें क्या है, आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि आपके काफ़ी नंबर बढ़ने वाले हैं सभी कैंडिडेट्स के, ठीक है। तो इसमें और क्या, आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, क्योंकि जैसे अक्सर जब ऐसा बवाल होता है तो सरकार ज़्यादा कैंडिडेट्स को लेती है पहली फिजिकल के लिए, तो उसमें आपका नंबर पड़ जाएगा, उसके बाद फिजिकल की बात है कितने कैंडिडेट्स बाहर होते हैं। तो अगर आपको वो कट ऑफ चाहिए, जैसे कि रनिंग के लिए कितनी कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर चाहिए आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। और एक बात रही, जैसे नॉर्मलाइजेशन के काफ़ी डाउट आ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है, और उससे क्या मतलब उसका फैक्टर है, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा, तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यूपी पुलिस का जैसे कोई भी आपको जैसे डाउट है सैलरी से रिलेटेड, तो ये सारी वीडियो हम आपके लिए ला चुके हैं, आप वो देख सकते हैं, और ऐसे ही हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहेंगे यूपी पुलिस की पल पल की। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप यूपी से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था, तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी रनिंग की तैयारी जारी रखें, चाहे आपके कम नंबर हैं तो भी, क्योंकि अभी काफ़ी नंबर बढ़ने वाले हैं, वो आपने देख लिया होगा। क्योंकि और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे किस किस शिफ्ट में कितने नंबर गलत हैं, तो कितने नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा, क्योंकि आपके काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जो कम नंबर होने की वजह से परेशान होंगे, तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि उनके नंबर बढ़ेंगे, तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।